हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज टाइम हो गया 1 o'clock और सारे काम हो गया। बारिश, कभी धूप, तो वॉशिंग कर लिया बहुत सारा। दो घर पे पूरा पहले सूखने के लिए रख दिया और एक बार करके बारिश आ रहा है, फिर अंदर लो बाहर लो, ऐसे ही हो गया दिन भर। और बच्चे गया स्कूल, बेटा ऑफिस कर रहे हैं, हस्बैंड गया ऑफिस और मैं अभी लंच करूँगी। तो इसके लिए मैं सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ 2 मिनट बात कर लूँ, नहीं तो काम काम में इतना ही बिजी रहती हूँ, तो बात करने को टाइम नहीं मिलता। और कल कुछ कपड़ा का शॉपिंग किया, वो तो आप लोग को दिखाया। और कुछ ऑनलाइन ऑर्डर है बच्ची का और मेरा और उन लोग को भी, तो जब ही आते जाएगा आप लोग को दिखाऊँगी। और हम लोग का दुर्गा पूजा, इसके लिए शॉपिंग चालू। और घर के लिए भी कुछ सामान ऐसे हो गया था ना, ख़राब हो गया था, तो वो भी लेके आई कल। जैसे घर साफ करने के लिए, पोछने के लिए मॉप था ना, तो वो ख़राब हो गया था, वो डंडा ख़राब हो गया था, तो मिस्टर बोल रहे हैं उसको पूरा ही चेंज कर दो सेट को। तो ये बार लाया पेस्टीज का, वो भी जब ही ओपन करूँगी तभी आप लोग को दिखाऊँगी। और शायद शाम को मैं वो एड्रेस कैसे सेट कर दें वो आप लोग को दिखा दूँगी। पेस्टीज का लिया और जैसे कुछ सामान था डिमांड में गया था, थोड़ा बहुत सामान रह गया था, वो सब कल शॉपिंग के साथ लेके आए। और जो जैसे क्या बोलते हैं डस्टबिन रहता है ना, तो दूसरा वाला एक नया डस्टबिन भी पसंद आ गया था, वो सब लेके आए। तो और हर रोज क्लीनिंग करने के लिए मुझे लाइजल चाहिए, तो वो बहुत ही घर क्लीन होता है, तो वो भी लेके आई। वो सब बहुत सारा चीज़ें रहते हैं, क्या छोटा छोटा चीज़ आप लोग को दिखाऊँ, तो मैं आपको दिखाऊँगी क्योंकि बहुत यूजेबल है जो लेके आया होम क्लीनर। तो वो क्या, जिन लोग को कमर में दर्द रहते हैं, हाथ घुटनों में दर्द रहते हैं, वो लोग भी घर इजी से सब कर सकते हैं, पोछा मार सकते हैं, तो बहुत ही काम का चीज़ है। मैं बहुत दिन से प्राय हो गया 8 to 10 years, तो मैं बहुत जैसे जब से स्टार्ट हुआ ना तभी से मैं यूज़ कर रही, बहुत बहुत यूज़फुल है। और घर भी कभी भी मन करे तो क्लीन कर सकते हैं, और अच्छा ड्रेस पहन के भी आप क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ झुकने का और कपड़ा ख़राब होने का ये नहीं रहता है। तो चलो फिलहाल लंच कर लेते हो, बहुत बातें हो गया, भूख भी लगी है और सुबह से पूजा पाठ हुआ नहीं, तो आज के ब्रेकफास्ट भी मैंने किया। और तो चलो लंच कर लेते हो। पहले लंच पे बनाया भिंडी रोटी, तो मेरा बच्चे को बहुत पसंद है तो वही बना दिया। फिर बाद में एडिटिंग है, कुछ वीडियो कर देते हैं और तो बहुत कुछ रहता है मन में। और जो जो वीडियो बनाती हूँ तो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो लंच कर देते बाद में। आज बनाया आलू भिंडी की सूखी सब्जी और रोटी। और एक पार्सल आया, देखते हैं क्या आया। इसका दुपट्टा भी है और नीचे पैंट भी है, और एक है दुपट्टा कॉटन का है, प्योर कॉटन का है। प्योर कॉटन है, लेकिन ये जो फैब्रिक है ना ये ना निकल जाए क्योंकि प्रिंटेड है ना, ये वर्किंग नहीं है, ये वर्किंग है बट ये नहीं है। तो चलो देख है, अच्छा ये है। पहन के दिखाओ, अच्छा लग रहा है, पहन के एक बार।
आज बनाया चीजी तंदूरी पास्ता। चलो खा लो। कैसे रहा, कैसे हुआ रहा? अच्छा हुआ है, बहुत ही टेस्टी है ना। वो दिन नूडल्स बनाया था तो बेटा ने जीत किया, तो मैं बोला चल क्यों नहीं बना सकते हैं, तो आज चीज के साथ बनाया। कैसे लग रहा है? और फ्रेश फ्रेश घर का तंदूरी मसाला बहुत ही स्वादिष्ट है। और बेटी नहीं आया तो मैं नहीं खाऊंगी, पहले बेटी आने से। देखो क्या क्या बोलते हैं। चलो बाय। हाय फ्रेंड, तो मैं बाजार से मार्केट से आ गई और कुछ सामान लेने का था। बेटा का पिज़्ज़ा खाने को मन है और फॉर्मेट कर लिया, डो बनाना बहुत टाइम लगता है ना, तो मैं सोचा क्यों ना पिज़्ज़ा को जो बेस आता है वही लेके आ जाए, तो फिर लेके आया। कल बनाऊंगी पिज़्ज़ा। और आज बनाया था तंदूरी पास्ता, तो लोग बहुत अच्छा लगा, बेटी को भी बहुत अच्छा लगा। थोड़ा तीखा चटपटा हुआ था और सब लोग मिलके क्या कर रहे तू? देखो मैं जब बात करने जाऊँ ना, I'm a बिल्ली। हाँ, ये बिल्ली मेरा बाजू में आ जाता है। क्या हो गया? तो फिर अभी डिनर बनाऊंगी, ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, डिनर बनाती हूँ, बच्ची को पढ़ाना भी बाकी है, तो चलो कर लेती हूँ। तो अभी डिनर करने बैठ गई, ऑमलेट करी और राइस बनाया। पहले मार्केट किया, फिर उधर से रिटर्न आया और बच्ची को पढ़ाई लेके मिस्टर को बता दिया था तुम पढ़ाओ, मैं एक तो लेट हो गया और मैं खाना बनाती हूँ, मैं लिए जाती हूँ। तो फिर खाना बनाया और या पढ़ाया और खाना बना के फिर इतना सारे वॉशिंग किया था सुखाने के लिए, तो बहुत तकलीफ किया। बारिश कभी निकल रहे हैं कभी सुखा रहे ऐसे कर रहे। तो फिर वो सब कपड़ा था वो पगली जगह पे सेट करके रखा। अभी आ गया डिनर करने। तो से बना दे काले तंत्र तो नॉन वेज नहीं खाना, तो इसके लिए ज़्यादा तीखा हो गया। आज शाम को नाश्ता में कैसे लगा लो? क्या बनाया था याद है? तंदूरी पास्ता। मैं ऐसे क्यों बोला पता है? तो ऑफिस का काम में इतना बिजी, मैं इतना वैरायटी बना रहे खा रहे कि नहीं याद है कि नहीं बोला याद है, इसके लिए पूछा। अरे तो यम यम। हाँ तुम मोबाइल देखो, खाना मत खाओ। मुंह देखो कैसे हो गया। चलो बैठ के खा लो फिर, है ना? चलो हम लोग डिनर कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नया तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।